ओम, देश के कोने कोने से आए परिवर्तन के पुरोधा भाइयों और बहनों की ओर से राष्ट्रसंत योगी योद्धा योद्धा सन्यासी संत सिपाही संत सूरमा पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज से सदियों पहले जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक विदेशी विद्वान नास्त्रेदमन ने भविष्यवाणी की थी। उस विद्वान ने भविष्यवाणी की थी जिसकी सारी भविष्यवाणियां समय आने पर सच साबित हुई। उसने कहा था कि पूर्व का एक देश इस समय 20वीं शताब्दी के पहले दशक में 2010 के दशक में पूरे विश्व में महाशक्ति बनकर उभरेगा और उसका नेतृत्व करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए एक सन्यासी हिमालय की ओर से आएगा। इसी प्रकार गुरुदेव पंडित आचार्य श्री राम शर्मा जी ने अपने साहित्य में, अपने वक्तव्यों में, अपने प्रवचन में यह बार बार भविष्यवाणी की थी कि 2010 का दशक संधि काल का समय है, युग परिवर्तन का समय है, यहां पर भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आज आचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको भी इस बात की प्रसन्नता होगी कि उनके मानस पुत्रों के रूप में भारत स्वाभिमान के एक एक कार्यकर्ता ने युग परिवर्तन के इस काल में अपने पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपना योगदान दिया। महर्षि अरविंद ने भी कुछ इसी प्रकार की घोषणा की थी कि भारत आने वाले समय में महाशक्ति बनने वाला है और इन सारे महापुरुषों के, विद्वानों के कथन को सच करने में पूर्ण पुरुषार्थ से अगर किसी संगठन ने अपना योगदान दिया है तो वो भारत स्वाभिमान है, वो पूज्य स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में उनके योग योद्धा हैं, उनके योगी योद्धा हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम आमंत्रित करते हैं कर्नल किरण सिंह जी, जो हमारे कॉरपोरेट सदस्य हैं, इसके साथ साथ महाराष्ट्र पूर्व में भारत स्वाभिमान की सेवा का कार्य देखते हैं। आदरणीय भाई सुब्रतो जी, बहन पुष्पांजलि जी, बहन हेतल जी, स्वामी दिव्य ज्ञानानंद जी, श्री लवदेव जी नेपाल से, भाई श्री शांतिलाल जी, बहन अंजना घोष जी, आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच और इसके साथ साथ आशीर्वाद के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई मोहन जी पूज्य स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद लेंगे, एडवोकेट विष्णु शर्मा जी, एडवोकेट अमरदीप मैनी जी, भाई रमेश जी जो मध्य उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भाई सुरेंद्र जी, भाई मिलाप सिंह जी, भाई श्री जगमाल जी जो आजीवन सदस्य हैं भिवानी हरियाणा से और जब जब आवश्यकता पड़ती है पूरी बसों के साथ दिल्ली से लेकर जहां कहीं पहुंचने की जरूरत होती है पूज्य स्वामी जी महाराज का आह्वान होता है तो वहां जाकर अपना योगदान देते हैं, बहन सुनीता जी आज आजीवन सदस्य बन रही हैं बेलगाम कर्नाटक से, इस सेवा यज्ञ में, इस योग यज्ञ में जहां पर पूरे देश में सबसे अधिक सेवा का के अनुष्ठान चलते हैं, वहां पर 1,00,000 रुपए की आहुति आदरणीय बहन सुनीता जी दे रही हैं। भाई श्री सत्यनारायण जी आजीवन सदस्य हैं बांकुरा पश्चिमी बंगाल से, भाई श्री परमेश्वर जी संरक्षक सदस्य हैं तिनसुकिया असम से, भाई श्री विद्याधर जी, श्री किशनलाल जी आजीवन सदस्य हैं अजमेर से और ये आसाम के गमछे के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का अभिनंदन संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट की ओर से भाई परमेश्वर जालान जी करते हुए, भाई श्री अमित जी, अमरदीप जी, श्री सुरेश जी, श्री शिव कुमार जी, जैसा पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा अभी राजनीतिक परिवर्तन तो हो गया लेकिन 2047 तक देश को, भारत को पूरी दुनिया की महाशक्ति बनाना है और इस कार्य के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज की योजना
कोई एक दो पांच वर्ष की नहीं है, ये हमारी कई वर्ष की योजना है और ये हमारा संकल्प तब पूरा होगा जब हर गांव देश के 6,38,365 गांव योग युक्त बन जाएंगे, नशा मुक्त बन जाएंगे, स्वदेशी युक्त बन जाएंगे, स्वस्थ बन जाएंगे, समृद्ध बन जाएंगे, शिक्षित बन जाएंगे, संस्कारवान बन जाएंगे। देश के 125 करोड़ लोगों को योगी, निरोगी और उपयोगी बनाने का अभियान भारत स्वाभिमान का है। आइए इसी योग दीक्षा से राष्ट्र दीक्षा को प्राप्त करने के लिए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में, पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में। भैरा केशी को भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो हमारे बहुत ही विवेकशील, प्रज्ञावान